बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर इन दिनों शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम अगले महीने अपने बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अफवाहों की माने तो शादी में फिल्म मेकर करण जौहर गाने पर डांस परफॉर्मेंस देकर सोनम कपूर को सरप्राइज देंगे, जिसे खुद फराह खान कोरियोग्राफ करेंगी। बता दें कि सोनम कपूर की शादी के फंक्शन के लिए पूरा बॉलीवुड उत्साहित है। संगीत का कार्यक्रम 29 अप्रैल से मई के पहले हफ्ते में आयोजित किया जा सकता है। वहीं संगीत और शादी का फंक्शन एक दिन ही आयोजित किया जा सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पहले संगीत, उसके बाद शादी और फिर ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देने की तैयारी भी हो रही है। सपना चौधरी और अर्शी खान की बिग बॉस 11 में हुई जंग बिग बॉस के इस सीजन के सबसे हिट किस्सों में से एक रहा है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने अर्शी खान को उनके एटीट्यूड और बिंदास बोल के लिए जमकर घेरा था और मौका मिलने पर अर्शी खान को आड़े हाथ लेने से नहीं डरती थीं। और अब इन दिनों डांस क्वीन सपना चौधरी और कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन अर्शी खान को एक साथ डांस करते हुए देखा गया है। हाल ही में अर्शी खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सपना चौधरी और अर्शी खान नुसरत फतेह अली खान के गाए सॉन्ग मेरे रश के कमर पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सपना चौधरी के भाई की शादी में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट भी नजर आए थे। वहीं इस वायरल वीडियो में अर्शी ने कैप्शन में दिया है, लव यू सपना चौधरी, तुम्हारे परिवार के साथ एक हसीन शाम। कलर्स टीवी के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार 2 का खिताब मथुरा के हेमंत ब्रजवासी ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुए शो के फिनाले में हेमंत को 83% वोट जनता की ओर से मिले थे। बता दें कि फिनाले में हेमंत के साथ पंजाब के रोहन प्रीत सिंह और केरल के विष्णु माया रमेश और जैद अली पहुंचे थे, लेकिन हेमंत ने तीनों ही कंटेस्टेंट को मात देते हुए विनर ट्रॉफी और 20 लाख की प्राइज मनी को अपने नाम किया। 3 महीने तक चले इस शो में हेमंत ने अन्य कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर दी। शो के जज शंकर महादेव, सिंगर और एक्टर मोनाली ठाकुर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के सामने हेमंत ने अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। साल 2009 में हेमंत सारेगामापा लिटिल चैंप का खिताब जीतने के साथ ही साल 2016 में इंडियाज गॉट टैलेंट और जो जीता वही सुपरस्टार 2 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। भले ही अक्टूबर वरुण धवन की सबसे कमजोर ओपनर साबित हुई हो, लेकिन वीकेंड तक आते आते इस फिल्म ने स्थिति काफी संभाल ली। इस सुधरते माहौल की बदौलत ही फिल्म 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पहले दिन कमा पाई। बता दें कि इसे तमाम समीक्षाओं में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। वहीं इस फिल्म में वरुण के अभिनय को लोगों ने काफी सराहा है। वहीं बनिता संधू मौजूद पूरी फिल्म में है, लेकिन देखा जाए तो रोल छोटा सा है। बिग बॉस सीजन 11 को टेलीविजन के दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं अब बिग बॉस का सीजन 12 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। वहीं इसके लिए बिग बॉस मेकर्स की ओर से ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह पिछली बार का सीजन भी सलमान खान ने होस्ट किया था। हालांकि इस बार शो में कुछ खास बड़े बदलाव किए जाएंगे। कलर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से #BigBoss12 के जल्द आने की खबर दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार शो के लिए कुछ जोड़ियों की तलाश भी है। वहीं बिग बॉस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया है, जहां पिछला सीजन काफी धमाकेदार और एंटरटेनिंग रहा है। वहीं बिग बॉस के प्रशंसकों को शो के दोबारा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है।